गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के कोकावल गांव में हुए गैंगरेप पीड़ित परिवार से गुरुवार को मिलने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला बाड़ा, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र लाल उरांव, भाजयुमो जिला मंत्री नीतीश गुप्ता, डुमरी मंडल अध्यक्ष विजय प्रसाद केसरी, सांसद प्रतिनिधि अनिरुद्ध चौधरी व अन्य भाजपा पदाधिकारी पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की विस्तृत जानकारी ली और भाजपा पदाधिकारियों की ओर से तत्काल सहयोग के रूप में पीड़िता परिवार को एक क्विंटल चावल दिया गया। मौके पर महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि घटना एक नवी कक्षा की छात्रा के साथ घटी है, वहीं घटना को शर्मनाक घटना बताया। इस दौरान वर्तमान सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से यहाँ की बेटी बहनों के साथ हत्या बलात्कार हो रहा है। भाजपा पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। भाजपा दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेगी। भाजपा गरीब दलित पीड़ित परिवार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। वर्तमान में महागठबंधन नहीं लूटबंधन की सरकार बनी है। इस गैंगरेप के लिए सिर्फ झारखंड सरकार और स्थानीय विधायक दोषी हैं। विधायक क्षेत्र से गायब है। राज्य में लगातार लूट खसोट बलात्कार हो रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी बहु बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। जो सरकार राज्य संभाल नहीं पा रही है ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, ये जो गैंगरेप की घटना घटी है तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से यह डुमरी प्रखंड के लिए काफी दुखद का विषय है, ये पीड़ित परिवार के लिए दुखद का घटना है और जिस प्रकार से प्रशासन जो पूरी तरह फेल हो गई है, अपराधी बलात्कारी सीना तान के घूम रहे हैं और उनका मनोबल जो है लगातार बढ़ रहा है। यह सरकार अपने आप को आदिवासी दलितों की सरकार कहती है लेकिन यह कतई नहीं हो सकता कि यह सरकार दलितों के लिए काम कर रही है। आज इस परिवार को देखने तक के लिए भी जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं। हमारे विधायक गुमला के सोए हुए हैं, वो भी अभी तक इस परिवार से नहीं मिले, ना ही मुआवजा ना ही अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई बयान देते हैं। कल की परसों की घटना है, लोहरदगा जिला के बगल में ही घटना घटी, उसमें भी अपराधी सीना तान के घूम रहे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। तो मैं कहूंगा पूरी तरह सरकार जो है विफल है और हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। इन परिवारों के साथ अगर किसी भी प्रकार का दबाव दिया जाता है अपराधियों के द्वारा तो हम पूरे अपने बल के साथ इनके साथ खड़े हैं और जैसा कि किरण जी ने कहा कि हम विधानसभा तक इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं देवेंद्र लाल उरांव, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जिला अध्यक्ष गुमला। देखिए डुमरी प्रखंड का कोकावल गांव में जो घटना हुआ है, नवीं क्लास की जो बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे बहुत ही शर्मनाक घटना है। और आज हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी पीड़िता परिवार से मिलने आए हैं और निश्चित तौर पर जब से झारखंड में हेमंत सरकार बनी है तब से यहां की बेटियों के साथ बहनों के साथ हमेशा से बलात्कार और हत्या हुआ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, हम लोग इसका काफी दुखित हैं इस विषय को लेकर, और जितने भी दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं और पीड़िता परिवार से मिलने आए हैं। पीड़िता परिवार को डरने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों का पीड़ितों का दलितों का लड़ाई लड़ी है, निश्चित तौर पर हम लोग इसका लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा। ये शासन ठगबंधन लूटबंधन की सरकार जब से बनी है तब से झारखंड की बेटी गुमला जिला की बेटी भी लोग आज सुरक्षित नहीं है, इसका भारतीय जनता पार्टी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग है तो प्रखंड तो क्या, हम लोग जिला से लेकर हम लोग पूरे झारखंड विधानसभा का भी घेराव करेंगे और हम लोग फांसी का भी मांग करेंगे, उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और झारखंड में गुमला जिला में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, ये काफी चिंता का विषय है। देखिए हम लोग जो घटना हुई बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, इस बच्ची के साथ तो गैंगरेप हुआ, तो ऐसे इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन है और यहाँ के स्थानीय विधायक भी दोषी है, क्योंकि अभी मौन है गौन है, जबकि पूछना चाहिए था, पीड़िता परिवार से मिलना चाहिए था, उसका एक बार इस क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं, ये भी बहुत दुखद विषय है। निश्चित तौर पर आज अपराधी का मनोबल बढ़ा है, आज सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट और बलात्कार और हत्या हो रहा है इसमें निश्चित तौर पर। और हम कहना चाहेंगे बड़ी दुखद विषय है
कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और आदिवासी बेटी के साथ इस तरह का घटना होना ये काफी चिंता का विषय है। आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी बेटी बहन को रक्षा नहीं कर सकता है तो ऐसे मुख्यमंत्री को झारखंड में राज करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उसे झारखंड राज नहीं संभल रहा है, घर नहीं संभल रहा है, तो इसे मुख्यमंत्री से हम लोग सुरक्षा का कतई हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार का जितना भी निंदा करेंगे कम होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।